हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आइए देखते हैं आज की इस टैरो का रीडिंग में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। अगर हमारे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी और उनके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोड़ी एक साइंस के लिए रहने वाली है। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। यहाँ बॉटम से हमारे पास आया है द ड्रीम एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं कॉम्प्रोमाइज़, द बर्डन, सॉरो, लेजीनेस। ओके, तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान है, ये कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके दबाव में रहकर आपके पर्सन ने आपको छोड़ा है, आपसे डिस्टेंस बनाया है। आप दोनों के बीच जो दूरियां आई हैं इस रिलेशनशिप में, वो उस पर्सन की वजह से आई हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है हमारे पास, द बर्डन भी है। ये दोनों ही कार्ड इंडिकेट भी कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आया है वो किसी अदर पर्सन की वजह से आया है। तो ये बात तो क्लियर है कि कोई ना कोई अदर पर्सन है आपके पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से, जिसकी बात मानते हुए इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है। बट यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप इस पर्सन का है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है और ये कॉम्प्रोमाइज़ इस पर्सन को मजबूरी में रहते हुए करना पड़ा है। तो यहाँ पर इस बात का ये पर्सन बर्डन ले रहे हैं, आपसे दूर होने का बर्डन ले रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, काफ़ी मजबूर और परेशान है ये पर्सन। देख रहे हैं ना, सौरव है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड, तो कितना परेशान है आपसे जुदा होकर ये पर्सन, आपसे दूरी बनाकर कितना परेशान है, कितना दुखी है। इस पर्सन को आपके खोने का जो गम है ना, इस कार्ड से ही बयान हो रहा है। तो यहाँ बहुत दुख और तकलीफ़ में है ये पर्सन आपका साथ छोड़कर। ये पर्सन न चाहते हुए भी आपसे दूर रह रहा है आपकी खुशी के खातिर, या फिर आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है थर्ड पार्टी से। और ये पर्सन इस बात से भी दुखी है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये पर्सन बेवफा है, आपके साथ बेवफाई कर चुका है। तो यहाँ पर ये बात भी इस पर्सन को बहुत दुख दे रही है। ये पर्सन जानता है कि अब इस पर्सन को आप बेवफा समझते हैं, इस पर ट्रस्ट नहीं करते, इस पर्सन को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना काफ़ी दुखी है इस बात से भी। और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास लेजीनेस है, तो देख रहा है ना, ये दिन में भी आपके सपने देखते हैं, रात में भी आपके सपने देखते हैं, क्योंकि बॉटम से भी हमारे पास द ड्रीम आया है। तो ये पर्सन ख्वाब ख्यालों में आप ही को देखता है। इस पर्सन की एक भी रात, एक भी दिन, एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब ये पर्सन आपको इमेजिन नहीं करता, आपको मैनिफेस्ट नहीं करता है। क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट इसलिए करता है क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ में है, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है। ये वहाँ पर हैं ज़रूर, बट इनका दिल तो आपके साथ है ना। इस पर्सन की आत्मा आप में बसती है और आपकी आत्मा इस पर्सन में बसती है, तो इस पर्सन को आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। इस पर्सन का दिल उस वक्त ना बहुत बुरी तरह से धड़कता है जब ये पर्सन ये सोचता है कि कभी आप दोनों एक नहीं हो पाएंगे। तो ये ख्याल भी अपने मन में नहीं लाना चाहता है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ की जो ख्वाहिश है ना, वही सारी चीज़ें ड्रीम में भी देखते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा इमेजिन करते हुए मैं देख पा रही हूँ कि जैसे आप दोनों साथ में हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं और ये पर्सन काफ़ी मुतमईन और खुश है ख्वाबों में ही आपका दीदार करके। तो ये पर्सन आपको ना ऐसे रूप में देख रहा है जहाँ आप इस पर्सन के साथ में हैं। ये पर्सन एक पल के भी ये मानने के लिए रेडी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं या आप दोनों अलग हो चुके हैं। तो इस पर्सन ने ही ख्वाब ख्यालों में अपनी एक दुनिया बसा ली है आपको लेकर। तो ये पर्सन आपको इमेजिन करता है, आपको मैनिफेस्ट करता है। थर्ड पार्टी से इस पर्सन का रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ है, जिस बात का ये बर्डन लेते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, बट मजबूरी है इस पर्सन को रहना थर्ड पार्टी के साथ में। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है बहुत ही शातिर माइंडेड इंसान है, जिसकी वजह से आपका पर्सन काफ़ी परेशान भी है। यहाँ पर इस पर्सन को जो दुख है, थर्ड पार्टी के साथ रहने का दुख है, आपसे बिछड़ने का दुख है, पर ये पर्सन ना इस दुख को कम करने के लिए आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि आप इस पर्सन के साथ हैं। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।